खबर जनपद रुद्रप्रयाग से है, जहां केदारनाथ यात्रा मार्ग पर हुए भारी नुकसान को लेकर जिला प्रशासन, पुलिस बलों और आपदा प्रबंधन की टीमें निरंतर कार्य में लगी हुई हैं। साथ ही हेली सेवाओं के माध्यम से भी रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। बता दें कि शनिवार को तीसरे दिन भी सुबह से हो रही बारिश के बाद भी रेस्क्यू टीमों के साथ जिलाधिकारी सौरभ गहरवार, पुलिस अधीक्षक विशाखा अशोक भदाणे सहित संबंधित विभागों के अधिकारी भी पल पल की निगरानी कर रहे हैं। इसके तहत ही जिलाधिकारी सौरभ गहरवार का कहना है कि पहले ही दिन से प्रशासन की टीम निरंतर रेस्क्यू अभियान में लगी हुई है। अभी तक लगभग 8,000 से अधिक लोगों की रेस्क्यू किया गया है। केदारनाथ में मौसम खराब होने के कारण MI-17 एवं चिनुक विमान उड़ान नहीं भर पा रहे हैं। मौसम ठीक होते ही यहाँ से रेस्क्यू शुरू किया जाएगा। रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेगी की रिपोर्ट। से हमारे लास्ट 2 दिन से हमारा रेस्क्यू काम अच्छा चला, तो आज भी हमने वही प्रयास किया, उसे उसी डायरेक्शन हम बढ़े। तो जो हमारे पैदल मार्ग से भी लगभग 1,000-1,500 के आसपास हमारे निकल आए थे। साथ ही साथ में जो हमारे रेस्क्यू काम हेली से हो रहे थे, भीमबली लिंचुली लगातार कंटिन्यू कर रहे थे, और अभी शाम के समय पर हमने जो चीरबासा हमारे गौरीकुंड में हेलीपैड है उसको भी हमने ठीक कराया। SDRF की टीम ने जाकर के वहाँ पे जितने भी ऑब्स्ट्रक्शन उनको रिमूव कराया, और उसके कारण हम वहाँ पे चीरबासा में लैंडिंग कर पाए। और जितने भी गौरीकुंड से जो ऐसे लोग थे जो बुजुर्ग हैं या फिर नहीं सकते हैं, उनको हमने चीरबासा के माध्यम से यहाँ रेस्क्यू कराया है। और साथ ही साथ में बिकॉज अभी शाम के समय पे हमें थोड़ा मौसम क्लियर मिल गया, तो हमने केदारनाथ से भी रेस्क्यू स्टार्ट कर दिया है। MI भी अभी एक ट्रायल करने जा रही है, अगर मौसम क्लियर मिला तो हम ज्यादा लोगों को हम रेस्क्यू वहां से कर पाएंगे।